ओके गाइस, कनाडाज लार्जेस्ट यूज्ड कार शोरूम के बाहर आ गया हूँ मैं। एंड अभी मैं हूँ ब्रैम्पटन में कहीं पे, ठीक है। मेरे घर से अराउंड 25 मिनट्स लगा हम लोग को यहाँ पे आने में। एंड ब्रैम्पटन डाउनटाउन ये साइड पे कहीं पे है, लाइक अराउंड 10-15 मिनट गाड़ी में ये साइड पे आता है। सो यहाँ पे दुनिया जहाँ की गाड़ी अंदर मिल जाती है। लेट्स गो इनसाइड एंड चेकआउट कौन सी गाड़ी क्या क्या प्राइस में मिल रही है। मैं अंदर शायद बोलूँ नहीं, बट आप लोग को मैं दिखा दूंगा क्या है क्या नहीं, बिकॉज अंदर लोग बहुत ज़्यादा है जितना मुझे यहाँ से दिख रहा है। एंड शायद वीडियो बनाने दे ना बनाने दे, आई हैव नो आइडिया, बट वीडियो बनेगी ज़रूर, ये पक्का आई एम श्योर है, ठीक है। बनाने दे या ना बनाने दे, सो वील गेट एन आइडिया किस तरीके का अंदर का कार का मार्केट है, बिकॉज यहाँ पे दुनिया जहाँ की गाड़ियाँ मिलेगी और अलग अलग कार के मॉडल्स की क्वांटिटी होती है। बिकॉज एज वी कैन रीड ओवर हियर, कनाडाज लार्जेस्ट या ओंटारियोज लार्जेस्ट यूज्ड बाय कार शोरूम है, ठीक है। सो ज़्यादा देरी करते हैं, अंदर चलते हैं। तो टोयोटा का मॉडल है गाइस, $26,000 का है एंड चला है अराउंड 84,000 किलोमीटर चला है, यहाँ पे देख सकते हो। सो हम लोगों ने इसका प्राइस यहाँ पे कैलकुलेट किया विद टैक्स और सब कुछ मिला मिला के, सो $29,000 के आसपास में पड़ता है वाला कार, ठीक है। तो लेट्स सी, ओपन कर सकते हैं कि नहीं पता नहीं, ओपन है, लॉक है। सो अंदर से मैं अगर किसी यहाँ पे बंदे को बुलाना पड़ेगा। टोयोटा कोरोला है गाइस ये गाड़ी, और 2021 का मॉडल है। गाड़ी तो अच्छी है भाई देखो, बट होंडा या होंडाई का देख रहा हूँ मैं रादर देन टोयोटा। अच्छा ये भी कोरोला ही है, ये 2020 का मॉडल है। इसका प्राइस कितना है? इसका है 24,000 और ये चली है 73,000 किलोमीटर, बट ये सोल्ड हो चुकी है, सो इसको देखने का कोई मीनिंग नहीं बनता है। देन दिस इज होंडा 2021 मॉडल, चला है 60,000 यहाँ पे किलोमीटर लिख रखे, ठीक है। सी है ये, अच्छा होंडा सिविक है ये तो। दिस लुक्स गुड हाँ भाई, तभी क्या बोलते हो कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लग रही है गाड़ी। इसका प्राइस वाइज कुछ लिखा नहीं है, किसी बंदे को बुला के पूछते हैं। यूजुअली सारी गाड़ियों पे यहाँ पे प्राइसेस लिख रखे हैं। एंड ये है सेडान, एसयूवी जो है वो साइड पे है, एसयूवी भी अभी हम लोग देखने जाएंगे थोड़ी देर में। ओके, तो जीएमसी के सेक्शन में आ गए गाइस। फोर्ड है, जीएमसी, टोयोटा, रैम। सो मैं जहाँ पे जॉब करता था ना, वहाँ पे वो बंदे के पास जीएमसी की ट्रक्स थी 4x4। सो इनकी प्राइस देखो यहाँ पे $52,000 है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जो बड़ी गाड़ियाँ होती है ना, उनमें प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। बहुत कम्फर्टेबल रहती है गाइस अंदर से, मैं आपको दिखाऊँगा अभी बंदे को बुला के। यहाँ पे पीछे टूल्स रखते थे हम लोग सारे हमारे, एंड आगे बैठते थे, लाइक 4-5 बंदे आराम से फिट हो जाएंगे, पीछे 3 और आगे 2। सो 56,000 किलोमीटर्स चली हुई है एंड काफ़ी सही है गाइस। $200 बाई वीकली आप लोग को देना। ये देखो, ये कभी भी मत देखना यहाँ पे आने के बाद, बिकॉज ये प्राइस आपको ना दिखने में बहुत छोटा दिखता है, बट एक्चुअली मैं कहाँ पे लिखा है ना $52,000, वो फाइनल प्राइस है। सो बाय द वे, स्टूडेंट्स के लिए तो नहीं है गाइस, आई डोंट थिंक कोई स्टूडेंट लेगा। यूजुअली कंस्ट्रक्शन में यूज़ होता है ये, स्विमिंग पूल में और ये सब जगह पर यूज़ होती है गाड़ियाँ, बिकॉज टूल्स भी पीछे आ जाते हैं और आगे पूरे बंदे बैठ सकते हैं। सो इनके सारे प्राइस 64,000, 50,000, सारे 50,000 प्लस है के ही है सारे के सारे मॉडल्स। बट ऐसी गाड़ियाँ मेरे को अभी नहीं लेनी है, सो वी विल नॉट गो फॉर ऑल दीज। ये सामने दिख रही है वो भी जीप है। सेकेंड हैंड कार्स कभी भी अगर आप फैमिली मेम्बर्स के लिए ले रहे हो ना कहीं सर, अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो ऐसी वाली गाड़ी मैं बोलूँगा आपको लेने के लिए, बिकॉज इसमें प्राइस डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहता है। ब्रांड न्यू जीप देखने जाओगे ना, ये 2022 का मॉडल है, ठीक है। $80,000 से नीचे में नहीं आएगा। यहाँ पे देखो प्राइस देखो, $55,000 एंड किलोमीटर भी ज़्यादा चली हुई नहीं है। इस पर किलोमीटर लिखे नहीं, आई थिंक एक सेकेंड, नो इट्स नॉट रिटन, किलोमीटर इस वाले में लिखे हुए हैं। एक मिनट रुक जाओ, कहाँ था वो, हाँ इस वाले में लिखे है 23,000 किलोमीटर्स है खाली, एंड प्राइस देखो खाली $46,000, दैट्स इट। एंड कार देखो आप, अगर ये आप ऑनलाइन देखने जाओगे ना, 2022 लेटेस्ट मॉडल है मतलब। सो ये सारी गाड़ी के अंदर आपको बहुत प्रॉफिट होता है। अगर आप लोग कोई फैमिली हो एंड यू ट्राइंग टू बाय अ कार, तो यहाँ पे आके आपको लेना चाहिए, बिकॉज फैमिली के लिए कंफर्टेबल भी है, कहीं दूर जाना है तो जा भी सकते हो। बिकॉज देखो, हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए कुछ नहीं होता, बिकॉज मेरी कोई फैमिली है नहीं, तो मैं अगर होती तो भी मैं लाइक मैं मेरी वाइफ और अगर एक बच्चा भी होता तो इतनी बड़ी गाड़ी का कोई यूज़ नहीं बनता है। अगर 2-3 बच्चे आपके और फैमिली बड़ी है, सो देन दिस इज़ वर्थ इट।
प्राइस डिफरेंस काफ़ी रहता है एंड जस्ट खाली देखा आप लोगों ने कितने किलोमीटर चले, मतलब ब्रांड न्यू ही है एक तरीके से देखने जाओ तो। ठीक है, तो इस तरीके का काम काज है यहाँ पे। यहाँ पे सारी बड़ी बड़ी जाइंट गाड़ियाँ हैं। ठीक है, क्या चमकाया है इसको देखो। मर्सिडीज है, 2021 का मॉडल है, 39,000। अभी किलोमीटर क्यों नहीं लिखे, कुछ कुछ में तो किलोमीटर लिखे ही नहीं है। बहुत सही है गाइज, अंदर से इंटीरियर विंटीरियर तो बोछो मत। यहाँ पे जैगवार थी, जैगवार आपको दिखाता हूँ। निसान है, इंफिनिटी है वाली। हाँ, ये रही जैगवार, 2020 का मॉडल है गाइस जैगवार का, एंड 75,000 किलोमीटर चली हुई है, $38,000 के अंदर। ठीक है, 144 मंथ्स वीकली प्लस HST। ओके, HST ये सारा हम लोग को ऑनलाइन ऐप में देखना पड़ेगा कितना इसका टोटल जाता है। सो सही है यार, क्या बोलते हो, ले लूँ जैगवार? वी विल बाई दिस कार फॉर श्योर। ठीक है, बट अभी नहीं, बिकॉज अभी मैं अकेला हूँ तो ये जैगवार का क्या ही करूँ लेके मैं। बट सही है गाइस, मेरे को अच्छा लगा अंदर से इसका लुक, प्रीमियम वीमियम अच्छा है। दूसरी सब लेनी, इससे अच्छा तो यही ले लूँ मैं। बाकी होंडा एलेंट्रा यहाँ पे है, कौन से साल का मॉडल है लिखा नहीं है भाई कुछ भी इस पर। 82,000 किलोमीटर चली हुई है। प्राइस हम पूछते हैं, अभी प्राइस पूछा के आप लोग को मैं बोलता हूँ, बट इट्स गुड गाइस। आई थिंक ये 20 से पहले का ही मॉडल है, उससे हाँ 2021 का मॉडल है। सही है गाइस, मेरे को ऐसी ही गाड़ी लेनी है, ऐसी कोई गाड़ी का मेरे को अच्छा प्राइस मिलता है ना, सो विल ट्राई टू बाई दिस होंडा वाली कोई, लेट्स सी देखते हैं। आप लोग बोलोगे कि यार ये पहले बोल रहा है जैगवार लेनी है, फिर बोल रहा है होंडा लेनी है, इसको लेनी कौन सी है? पता नहीं, गाड़ी जो भी गाड़ी देख रहा हूँ ना, मेरे को लेने का मन कर रहा है, सही बताऊँ। 2019 का है, होंडा एलेंट्रा है, 24,000 है। तो आई थिंक ये भी कुछ नहीं, ये उससे लेटेस्ट वाला मॉडल है, तो ये थोड़ा महंगा होगा, $25,000, 26 के आसपास का होगा ये, बट दिस इज़ गुड गाइस। ठीक है, अभी मैं बंदे को बुलाता हूँ और हम लोग गाड़ी ओपन करके देखते हैं अंदर से। तो गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे होता है ना गाइस, तो पुलिस कैसे रिपोर्ट करती है वो देखो। यहाँ पे ये किसी एक मेरे फ्रेंड की गाड़ी है, एंड ये सामने से कोई और बंदा आ रहा था। ठीक है, यहाँ पे यू कैन सी रेड साइन, स्टॉप का साइन है, बट ये बंदा रुका नहीं स्टॉप साइन पे, और वो सीधा आके उसकी गाड़ी को ठोक दिया उसने। तो पुलिस इस तरीके से कैमरा से फुटेज लेती है, एंड देन वो रिपोर्ट करते हैं कि भाई इस तरीके से ये इंसान की गलती है और इसकी गलती नहीं है, एंड सारा खर्चा ऑब्वियसली इसको उठाना पड़ा होगा। इस तरीके से यू हैव टू गो। सो जस्ट बताना था आप लोगों को कि ऐसा रहता है। एंड ये दो गाड़ी जो मैं बता रहा था आप लोग को, होंडा सिविक, और आगे भी होंडा सिविक है, 2021 का मॉडल है, एंड ये भी 2021 का मॉडल है, बट ये इससे थोड़ा ऊपर का प्रीमियम मॉडल है। ठीक है, अब हुआ क्या, ये वाली गाड़ी पे दो कार एक्सीडेंट्स है। ठीक है, दो एक्सीडेंट हो रखे हैं इसके। अब यहाँ पे एक्सीडेंट का किस तरीके कर रहे थे ये बताता हूँ। एक्सीडेंट क्लेम जब पुलिस करती है ना, दैट मीन्स गाड़ी ठुकी है, या गाड़ी का बहुत ज़ोरों से एक्सीडेंट हुआ था, धजिया उड़ गई थी गाड़ी की। ठीक है, तब जब पुलिस ने क्लेम किया है, ये जो गाड़ी है ना, इस पर पुलिस ने क्लेम नहीं किया है, जस्ट खाली वो लोगों ने एंट्री की हुई कि इसका एक्सीडेंट हुआ है, मतलब इनकेस अगर ये मिरर पे भी कोई तरीके का डैमेज आ गया, या गाड़ी पे चलो कुछ भी यहाँ पे छोटा सा स्क्रैच पड़ गया रोड पे जाते जाते, या ये गाड़ी और सामने कोई और बंदा आ रहा था, वो दोनों के अंदर बहस हो गई, गाड़ी टच हो गई, तो इस तरीके से भी पुलिस रिकॉर्ड दे देती है कि भाई ये गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था और इस तरीके का कामकाज है। तो जब तक कोई भी क्लेम ना हुआ, अमाउंट ना हो ना यहाँ पे, क्योंकि देनो कि कितना क्लेम हुआ रहता है और क्या रहता है, तब तक गाड़ी का बहुत एक्सट्रीम लिमिट पे डैमेज नहीं हुआ है। ठीक है, अगर खाली लिखा हुआ है, रिपोर्ट किया गया है कि भाई एक्सीडेंट है, दैट डजंट मीन कि गाड़ी का बहुत ख़राब एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है, बस इतना ही बताना था आप लोगों को। सो इस वाली का दो बार एक्सीडेंट हो रखा है, मतलब टच हो रखा है कहीं पे, इतना कोई मेजर था नहीं, कोई क्लेम वेम कुछ भी नहीं है, एंड ये क्लीन है, इसका कारफैक्स क्लीन था, सामने वो जो गाड़ी है उसका कारफैक्स क्लीन है, बट ये भी लेनी नहीं है बिकॉज ये दोनों लेटेस्ट ही मॉडल है, बट इतने प्रीमियम अंदर से है नहीं। ठीक है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब ये है होंडा एलेंट्रा, कहाँ गई, हाँ एयर वाली, तो भाई ये कहाँ चली गई, हाँ ये रही होंडा एलेंट्रा ये वाली, बिकॉज इसमें प्राइस वाइज लिखा नहीं है तो पता नहीं लगता। 82,000 किलोमीटर चली हुई है, अंदर से हीटेड सीट्स है, एंड स्टेयरिंग व्हील एंड एवरीथिंग इज क्वाइट कंफर्टेबल इनसाइड, अंदर बैठ के मैंने आपको वीडियो दिखाया सारा। सो इसका प्राइस है कुछ अराउंड $26,000, $26,000 के इर्द गिर्द जा रहा है, और बाई वीकली इसका आएगा $214, इसके बाद इंश्योरेंस ऐड कर लो, इंश्योरेंस अभी तक ऐड हुआ नहीं है, तो वो भी आई थिंक $200 के इर्द गिर्द आएगा, तो बाई वीकली मेरे को
$420 के आसपास पड़ता है, मतलब महीने का $1,000 के इर्द गिर्द इसका गाड़ी का खर्चा होगा इंक्लूडिंग पेट्रोल एंड एवरी सिंगल थिंग। ठीक है, तो इस तरीके का ये वाला गाड़ी का कामकाज है, बिकॉज इसका जो मॉडल है ना वो भी थोड़ा अल्टीमेट से नीचे वाला है, सो इसलिए मैंने थोड़ा इसको नज़र में रखा है। कलर इतना अच्छा लगा नहीं मुझे, बट खैर जो भी है, सो ये वाली गाड़ी मेरे को ये सारी गाड़ियों में से थोड़ी ऊपर लगी। एंड देन लेट्स गो टू SUV साइड। SUV सारी वो साइड पे, तो वहाँ पे उनके प्राइसेस देखते हैं। ये सिर्फ आप लोगों को एक नॉलेज देने की है कि कितने कितने में कितनी कितनी गाड़ियाँ पड़ती है आप लोगों को। कुछ कुछ गाड़ियों का ये लोगों ने ना क्लियर प्राइस वाइज लिखा नहीं है, खाली मॉडल लिख रखा है 2021 का मॉडल, 80,000 किलोमीटर चली हुई है। प्राइस उसके लिए मेरे को बंदा बुलाना पड़ेगा, ठीक है। सो मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है किया में, वो जाने दो, आगे चलते हैं। एंड बाकी का आप लोग को अपडेट देता हूँ। क्या बोलते हो गाइस, ये वाली या ये वाली या ये वाली या ये वाली या ये वाली कौन सी लेनी चाहिए? सारी प्रीमियम है, ठीक है। $670,000, $47,000 मर्सिडीज, $1,37,000 भाई। अंदर चीता वाली फील आ रही है, चीता। ये जो सीट दिख रही है ना आपको, ऐसा लगेगा चीता पे बैठा हो आप लोग, एकदम खुले ऐसी सीट, कंफर्टेबल सीट्स है, ठीक है। सो मस्टैंग्स भी है, 2022 के मॉडल है, बट ये सारी ना प्राइजेज इनके अच्छे खास है। आए लगे तो खुला ही है, तो देख सकते हैं अंदर, कंफर्टेबल है गाइस। हम लोग ड्राइव सीट पे बैठते हैं, आपको दिखाता हूँ। तो इसका प्राइस है $45,000। को बोलते ना भाई प्रीमियम फील, तो यहीं पे भाई क्या बोलते हैं, मेरा तो दिल आ गया है गाड़ी पे। सीरियसली दिस इज अमेजिंग कार, टू बी ऑनेस्ट। प्राइस भी इतना ज्यादा नहीं यार, $47,000, दैट्स इट। अच्छा है भाई, ले सकते हैं, व्हाई नॉट। बट ये गाड़ी लेके कैसा लगेगा मैं उबर मारूंगा, तो ये तो मैंने सोचा नहीं, बट इट्स गुड यार। देखो दरवाजे वरवाजे देखो यार, प्रीमियम फील आ रही है भाई। भाई BMW की लाइन देखो, सारी BMW, सारी इस सारी एवरी वन, एंड सबका प्राइस है 47, 48, 49, 34, 35,000, 35,000, 36,000, 36,000, 36,000, 36,000, सारी BMW है क्या लाइन में? हाँ सारी है। ये किलोमीटर कितने चली हुए? 70,000 किलोमीटर्स, ये है 84,000 किलोमीटर्स, दिस इज अराउंड 80,000 किलोमीटर्स। देखो भाई ये तो ऐसे ही दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, स्टूडेंट को मैं नहीं रिकमेंड करता ये सब भाई, गलती से भी नहीं। ये सेक्शन में नहीं आने का आप लोग को, ये सब वर्क परमिट वालों के आगे का काम का चाहिए, ठीक है, वरना फंस जाओगे गंदा अगर ये सब ले लोगे ना जोश में आके। तो इनके शेप तो देखो कैसी है, कैसा लग रहा है आगे कोई, मतलब जानवर ऐसे कोई, देखो ये खाली देखो यहाँ से। ऑल ऑफ दीज आर लेटेस्ट मॉडल्स ही है गाइस, 2022, 2020, 2019, पुराना है ये देखो, 2022, ये सारे 2022 के मॉडल से BMW के। आगे चलते हैं, क्या है ये SUV का सेक्शन था ना? हाँ ये SUV का था पूरा, बाकी Volkswagen आता है इधर। Nissan निसान का है अराउंड $88,000, $87,000 किलोमीटर्स है एंड $32,000 का गाड़ी है। इनका कारफैक्स और ये सारा जब बुलाओगे ना बंदे को तो वो बताता है, ठीक है। कारफैक्स का अपने को आइडिया नहीं है, बट आई एम जस्ट सेइंग ये गाड़ी के प्राइस और किलोमीटर बता रहा हूँ कितने में है। ये 82,000 किलोमीटर्स है, $32,000 के अंदर है ये। ये सारे SUVs है गाइस, सेडान का काम काज उधर हो गया, एंड एक नया भी था वहाँ पे पड़ा हुआ गाड़ी, बट वो कुछ ज़्यादा ही था, ठीक है। अपन होंडा होंडाई पे ही अभी टिके। ये देखो कौन सा, अच्छा सोल्ड हो चुका है। देखो यार मेरे को जो अच्छी लगती है वो सोल्ड हो जाती है, देखो वहाँ सोल्ड लिखा हुआ है, 2024 का होंडा सिविक। ओ माय गॉड, प्रीमियम है गाइस, वन देख रहे हो कितने किलोमीटर चली हुई है, ब्रांड न्यू है भाई, 1,000 किलोमीटर चली हुई गाड़ी है खाली। ऐसी गाड़ियाँ तो पहले सोल्ड आउट हो जाती है, मैं ले लेता है, मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर नहीं होती ना सोल्ट तो मैं ले लेता आज। जस्ट 1,000 किलोमीटर, मतलब बंदे ने 1,000 किलोमीटर चला के गाड़ी बेचने पे लगा दी।
उसके बाद देखो ये सारी सोल्डर रखी है, मेरे को जो जो अच्छी लग रही है ना सारी सोल्डर रखी है। देखो दिस इज रॉन्ग है, गलत बात है भाई। मस्टैंग देख रहे हो, देख रहे हो खाली, हाँ क्या लग रही है भाई, अमेजिंग। 60,000 किलोमीटर गाइस, एंड दिस इज 2021 मॉडल होंडा सिविक। ये नहीं लेनी है, ये नहीं लूँगा मैं। भाई देखो अच्छी अच्छी गाड़ियाँ, मैंने यहाँ पे आने के बाद ना गाइस एक चीज़ नोटिस करी मैंने, जो भी सेडान है ना वो ज़्यादा सेल हो जाती है एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ SUVs। SUV का सेक्शन देखो सारी गाड़ियाँ पड़ी हुई है, सेडान में आप देखोगे ना गाड़ियाँ आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है। आई एम नॉट सेइंग कि पर डे इनकी ज़्यादा सेल आउट हो रही, बट क्वांटिटी देखने जाओगे तो सेडान का ज़्यादा जाएगा एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ SUV। बिकॉज SUV में ना जो नॉर्मल जो फैमिलीज होती है वो उनके लिए सेडान इज़ गुड। SUV और ये सब जो होती है बड़ी फैमिलीज़ हो या फिर बंदे पे भी डिपेंड करता है यार, बंदे को कुछ लोगों को SUV अच्छी लगती है, कुछ लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो लोग के लिए SUV रहती है। सो डिपेंड करता है भाई इंसान इंसान पे, बट अभी फ़िलहाल के लिए अपन ले लोगों को तो सेडान ही लेने का है, क्योंकि मेरे को सेडान ही अच्छी लगती है अभी फ़िलहाल के लिए, आगे का पता नहीं। ये वाली गाड़ी का एग्जांपल लेते हैं गाइस, ये है कितने किलोमीटर चली है, 13,000 किलोमीटर चली है, फोर्ड का 2022 मॉडल है, ठीक है। इसका प्राइस देखो आप $37,000, ठीक है। ऐसी गाड़ियों पे ना आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बिकॉज अगर आप लोग इसका प्राइस देखने जाओगे इंटरनेट पे या ब्रांड न्यू गाड़ी लेने जाओगे ना तो $50,000 से नीचे नहीं पड़ेगी आपको, एंड यहाँ पे यू आर गेटिंग इट फॉर $37,000। हाँ टैक्स वैक्स मिला के 38 या 39 के आसपास मतलब, बट फिर भी यू आर मेकिंग $10,000 प्रॉफिट क्लियर स्ट्रेट खाली 13,000 किलोमीटर पे, समझ रहे हो। सो अगर कोई बड़ी फैमिली है या फिर ये स्पोर्ट्स कार है वैसे तो देखने जाओ तो मतलब अच्छी खासी दौड़ेगी ये वाली गाड़ियाँ। सो ऐसी गाड़ी अगर आपको अच्छी लगती है, आप इस तरीके के इंसान हो, सो दिस इज़ गुड फॉर यू। ठीक है, हर बंदा अपना अपना टाइप का होता है यार, अपने अपना सबका रहता है, कुछ लोगों को अलग अलग गाड़ियाँ अच्छी लगती है, कुछ को SUV सेडान, डिपेंड करता है। बट इफ़ यू आर प्लानिंग टू बाय SUVs जो स्पोर्ट टाइप है, ठीक है, इस तरह की गाड़ियाँ और फैमिली है आपकी, तो ये वाली गाड़ियों पर आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, मेरे को जितना समझ आया 1.5 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, उतना मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी का मैं देखते रहता हूँ गाइज इंटरनेट के ऊपर भी कौन सी गाड़ियों में क्या प्रॉफिट है क्या नहीं, बिकॉज आई एम प्लानिंग टू बाय अ कार सून। सो या दैट्स हाउ इट इज़। बाकी का ये स्टोर का काम का जितना ही था, कैसा लगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन किस तरीके का आपको लगा। कार्स यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में है गाइस, ठीक है, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई ऐसा स्टोर होगा जहाँ पे इतनी गाड़ी आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। सो दैट इज़ वाई ओंटारियो में सबसे ज़्यादा यूज्ड कार सेलर्स है ये, बाहर लिखा हुआ था जैसे मैंने आप लोग को दिखाया। सो अभी लेट्स गो कहीं और चलते हैं और अभी व्लॉग आगे कंटिन्यू करते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइस, ब्रैम्पटन के बारे में मैंने जो सुना था और मैं जो देख रहा हूँ काफ़ी फ़र्क है, ठीक है। हाँ लोग आपको इंडियन दिख जाएंगे बट प्लेस इज़ अमेजिंग टू बी ऑनेस्ट, लाइक प्रीमियम लुक आता है यहाँ पे। मैं अभी कोई सेंटर में था जहाँ पे लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं, पॉपाइज हैं यहाँ पे, विनर्स है, मार्क है, बहुत कुछ है, वॉलमार्ट है सामने, फिर ग्लोबल पेट फूड्स है, देन मिस्टर सब है, स्लीप कंट्री है, एंड बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं जो लेन से आ रहा था ना गाइस, आप घर देखोगे ना आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा, इतने सुंदर सुंदर और आलीशान घर है, ठीक है, रियली अमेजिंग। मैं इनके अलग से टूर दूंगा आपको, अभी नाइट हो गई है, एक दिन जब भी छुट्टी होगी ना सुबह में आएंगे और सुबह में आराम से ब्रैम्पटन थोड़ा घूमेंगे, आपको घर दिखाऊंगा और जगह दिखाऊंगा कितनी सुंदर है, आपको आइडिया लगेगा, ठीक है। बिकॉज हम लोग ब्रैम्पटन के बारे में सुनते रहते हैं ना कि ब्रैम्पटन में तो यार ऐसा है वैसा है, बट देर इज़ अ डिफरेंट साइड टू ब्रैम्पटन एज वेल, सो विच इज़ रियली ब्यूटीफुल टू बी ऑनेस्ट। और ये जो घर है नाइट में तो आपको अलग ही दिखेंगे बिकॉज लाइटिंग और ये सब रहता है, अभी दिवाली है तो दिवाली में तो अपने इंडियंस ही हैं यहाँ पे तो सारे, तो उन्होंने घर में लाइटिंग और ये सब कर रखा है, अमेजिंग। फाइनल गाइज बार बरीटो में आ गए हैं, मैंने काफ़ी टाइम पहले लाइक कितने महीने 4-5 महीने हो गए होंगे मेरे, मैंने यूट्यूब पे ही दिखाया था एक वीडियो में कि मैं बार बरीटो में गया था, अभी कुछ और ट्राई करते हैं अंदर जाके।